कान्हा की नगरी मथुरा का जिक्र होते ही पेड़ा आपको जरूर याद आएगा। मथुरा का पेड़ा आपने नाम तो सुना ही होगा। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पेड़े के लिए भी जानी जाती है। यहाँ के पेड़े से अच्छे और स्वादिष्ट पेड़े दुनिया भर में कहीं नहीं मिलते। लेकिन स्वाद से भरी इस नगरी में कोई 3 पीढ़ी से बेसन के लड्डू बना रहा है तो आप क्या कहेंगे? कृष्ण की नगरी मथुरा का नाम सुनते ही लोग पेड़ा सहित तरह तरह की मिठाइयों के ख्वाब देखने लगते हैं। हर व्यक्ति को मथुरा ब्रजभूमि की मिठाइयों के प्रति बेहद अलग लगाव है। मथुरा का पेड़ा हो या फिर अड़िंग के बेसन के लड्डू, हर किसी की अपनी एक अलग ही पहचान है। आज हम आपको उसी दुकान पर ले जा रहे हैं जो अड़िंग के बेसन के लड्डू 50 साल से बना रहे हैं। अड़िंग के बेसन के लड्डू जितना स्थानीय लोग पसंद करते हैं, उतना ही बाहर से आने वाले लोगों को भी ये बहुत लुभाता है। गोवर्धन के कस्बा अड़िंग में एक ऐसी दुकान है जिनका बेसन का लड्डू का बोलबाला कई प्रदेशों में है। सूरत से लेकर मुंबई तक यहाँ ऑर्डर आते हैं। अगर आप कभी गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन करने जाएं तो आपका मन मिठाई खाने को हो तो गोवर्धन से 6 किलोमीटर दूर पहला कस्बा अड़िंग है। इस दुकान के लड्डू का स्वाद 50 साल से आज भी बरकरार है। तो चलिए मिलते हैं उनसे जो 50 साल से इस बेसन के लड्डू को बना रहे हैं। नाम सुनील अग्रवाल है। बता दे रहा आपके यहाँ अगर बात करें फेमस चीज को लेकर तो क्या कुछ फेमस है आपके यहाँ? बेसन के लड्डू फेमस है। क्यों फेमस है? क्या क्योंकि यहाँ एक तो बेसन के लड्डू देसी ही के बनते हैं, दूसरी बात करीब 50 सालों से इसकी स्कोप है। हमारे बाबा थे वो बनाते थे, हमारे पिताजी थे वो बनाते थे, अब आज के युग में हम संभाल रहे हैं इस काम को। किस चीज़ मतलब किस चीज़ की मात्रा से और क्या की इसमें हम इसको बेसन डाल लोग लेने आते हैं? बॉम्बे तक के, अहमदाबाद तक के बहुत लोग ले जाते हैं। क्या के रिश्तेदार भी हैं वो भी मतलब आज तक काफ़ी दूर दूर तक लड्डू जाते हैं। तो क्या मतलब संदेश जाता है, क्या लोग क्या कहते हैं इस प्रकार के लड्डू मिली बात में? नहीं नहीं नहीं, एक तो इसमें क्या है हमारे यहाँ रवा डालते हैं हम, बाकी सब जगह पूरे का प्रयोग होता है। मिठाई मीठे में बेसन और घी और रवा का प्रयोग करते हैं, इससे दरदरा होता है। हर जगह नहीं होता रवा का? नहीं नहीं नहीं, कहीं बनते ही नहीं है किसी। तो ज्यादा नहीं होता क्या मतलब अंतर आता रेटों में? अंतर है बुरे की और रवा? नहीं, रेट वगैरह तो सब एक ही है, लेकिन जो क्वालिटी बनती है रवा से वो बुरे से नहीं बनती है। अब आप कह सकते हैं कि इन बेसन के लड्डू की उम्र 50 साल हो गई है। समाचार सिटी 24 मथुरा के ऐसे ही जायके दिखाएगा जहां आप कहने को मजबूर हो जाएंगे वाह मथुरा क्या जायका है। ऐसी ही अगर आप मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। गोवर्धन से खन्ना सैनी की रिपोर्ट।